हाँ तो ये है सोफियान सर जो अपनी प्यारी अदा लोगों को दिखाकर उनका दिल बहलाती है, और कहने को तो ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर कहलाती है, पर इनमें टैलेंट की भारी मात्रा में कमी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। इस मैडम के अंदर ना तो डांस करने की कला है और ना ही लिपसिंग करने की कला है, इनके अंदर सिर्फ एक ही टैलेंट है और वो है ये। हाँ यही तो है इनका असली टैलेंट की दुकान। इसके अलावा इनको और कुछ करने थोड़ी आता है, गाना चाहे कोई भी हो, म्यूजिक चाहे कैसा भी हो, उससे इस मैडम को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ आंख बंद करके एक ही चीज हिलाती है जो कि आपने देख ही लिया। तो क्या नाचोगे? और तो और इस मैडम का वीडियो देखने के बाद हर कोई यही बोलता है। ना भाई साहब, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, इस मैडम का चेहरा ही इतना मासूम है ना कि हर कोई यही बोलता है कि ओ गॉड, सिर्फ एक बार दर्शन करा दे। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। और भाई साहब दूसरे किसी को तो छोड़ो, मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले तुम यही सोचते होगे कि काश एक बार, सिर्फ एक बार दर्शन हो जाता तो मजा ही आ जाता। क्यों, बोल दिया ना तुम्हारा चेहरा का रंग। इसी बात पर वीडियो को अभी लाइक कर दो। बाप को मत सिखा, चल। साला ये आदत देखकर कौन नहीं घायल होगा, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आदत देखकर अंधे भी देखने लगेंगे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्योंकि भाई साहब मैंने आपसे कई बार बोल दिया कि इस मैडम का आदा ही इतना प्यारा है कि हर कोई घायल हो जाता है। You're right, bro. कितनी प्यारी स्माइल दे रही है। भाई साहब अब तुम ही बताओ कि ऐसी लड़कियों को देखकर हमारा जिंदगी बर्बाद नहीं होगा तो और क्या होगा। जोक मारा। और तो और कुछ लोग पहले से इस मैडम के पीछे अपना सुख चैन सब कुछ बर्बाद कर चुके होंगे। चल झूठा। अरे भाई साहब कोई दूसरा वीडियो लगा, नहीं तो मैं अब इस मैडम के प्यार में पागल हो जाऊंगा। कुछ और कहीं मैं इस मैडम के प्यार में पागल हो गया ना तो तुम लोगों के लिए वीडियो नहीं बन पाएगा यार। बात तो सही है। इसीलिए भाई साहब कोई दूसरा वीडियो लगाओ। और क्या एक बात जानते हो कि इस मैडम को लोग इतना ज्यादा क्यों पसंद करते हैं? नहीं। क्योंकि इस मैडम के अकाउंट पर हमें ऐसा वीडियो देखने को मिलता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई साहब अब तुम ही बताओ, ऐसा वीडियो देखने के बाद कोई इस मैडम को भुला पाएगा? नहीं। नहीं भुला पाएगा भाई साहब, मैं जानता हूँ कि नहीं भुला पाएगा, क्योंकि इस मैडम का दिल इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हाँ अब आया ना वीडियो में डबल मजा। अब भाई साहब अब तुम बोलोगे कि इस वीडियो में कोई टैलेंट नहीं है तो ये भोंसड़ी वाला हमें क्यों दिखा रहा है? तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि इस मैडम का टैलेंट देखा नहीं जाता है, महसूस किया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और वो टैलेंट आपको महसूस करने के लिए अपने ठरक को जगाना पड़ेगा, तभी आप इस मैडम के टैलेंट को महसूस कर पाओगे। भाई साहब अगर तुम अपने ठरक को नहीं जगाओगे ना तो इस मैडम के टैलेंट को कभी भी नहीं महसूस कर पाओगे। क्योंकि इस मैडम का वीडियो कुछ ज्यादा ही अलग प्रकार का होता है, इनके वीडियो का टैलेंट से कोई वास्ता नहीं रहता है, इनके वीडियो का ठरक से वास्ता रहता है, ठरक से। इसीलिए भाई साहब अपने अंदर के ठरक को जागरूक करो, जगाओ। देखो भाई साहब इस मैडम को अब मैं और नहीं झेल सकता, मुझसे झेला ही नहीं जाएगा, तो मैं अपने बकचोदी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को और पर प्रेस कर देना, और अगर पहले से किया हुआ है तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और घंटे को भी ध्यान से और पर प्रेस कर देना ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।